हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज पोटेंशियोमीटर जो है उसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर मान लिया इस तरीके से, जिसके अंदर एक AMF लगी हुई है, एक हमारे पास 400 सेंटीमीटर की वायर है AB, और इसके ऊपर कोई एक वुडन स्केल लगा हुआ है इस तरीके से। ये मान लीजिए हमारा वुडन स्केल है इस तरीके से, एंड ये की के है, और यहाँ पर हमारा रियोस्टेट है RH। देखिए हम एक पोटेंशियोमीटर का यूज किस तरीके से कर सकते हैं टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। हमारे पास मान लीजिए कि मैंने एक सेल ले लिया है यहाँ पर, जिसकी EMF E है, और उसको कनेक्ट कर दिया इस सर्किट के अंदर, जहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है हमारे पास। सो देखिए, इसको निकालने के लिए हमारे जो इंटरनल रेजिस्टर होता है किसी सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का होता है, उसको समझने के लिए देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई सेल खरीदा मार्केट से, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसकी पोटेंशियल 1.2 पोटेंशियल से 1.5 पोटेंशियल तक हो सकती है। सो देखिए उसकी फिक्स क्यों नहीं है, जो उसका फिक्स पोटेंशियल है वो है 1.25, और जैसे ही आप उसको सर्किट में इंस्टॉल करते हो तो उसकी पोटेंशियल वेरी कर जाती है, जो कि 1.5 तक भी हो सकती है, चेंज हो जाती है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्किट है इस तरीके से, जहाँ पर मैंने एक EMF ले रखी है E, और मेरे पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। देखिए होता क्या है कि जैसे ही मैं इसके अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाता हूँ, तो यहाँ पर जो है एक टर्मिनल पोटेंशियल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगी, पोटेंशियल भी। अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टर्मिनल्स के बीच में। हमारे पास दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल। अब टर्मिनल पोटेंशियल में यहाँ पर भी माना है इस तरीके से। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ से कुछ एक करंट फ्लो हुआ आई इस तरीके से, कोई मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। जब आप यहाँ पर इसके अक्रॉस में एक पोटेंशियोमीटर लगाते हैं इसके पैरेलल के अंदर, तो आप देख पाओगे जितनी पोटेंशियल या जितनी EMF आपने यहाँ से दी थी उससे कम मिलेगी आपको यहाँ पर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हमारा सेल है इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R, जिसको कि मैं एक डायग्राम के द्वारा कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ। देखिए ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये EMF है, ये करंट भी फ्लो हो रहा है आई इसके अंदर। सो देखिए बेटा, जो हमारा सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि हमारे करंट को कंज्यूम कर, कुछ अमाउंट में पोटेंशियल को कंज्यूम कर लेता है इस तरीके। इसलिए जो पोटेंशियोमीटर होता है हमारे पास यहाँ पर, उसके अंदर जो रीडिंग होती है, जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है, वो कम आने लगती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने कोई सेल लिया, उसने सर्किट को के अंदर इंस्टॉल किया, तो उसकी जो कंप्लीट पोटेंशियल होगी वो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर एक टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण भी। अब देखिए इसको समझने के लिए कि आप यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसको समझने के लिए देखिए। अभी मान लीजिए कि आपने सेल को इंस्टॉल किया है, तो मान लीजिए कि आपके पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो आपके पास आउटपुट आई है, जो आपने यूज़ किया पोटेंशियल, माना कि वो भी है, और ये भी किसके इक्वल आएगी, जो आपने अप्लाई की थी उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं इंटरनल पोटेंशियल ऑफ दी सेल। अब देखिए ये इंटरनल पोटेंशियल ऑफ दी सेल है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण यूज की गई है, करंट तो आई फ्लो हो रहा था इसके अंदर, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल यूज हुई वो क्या आ गई, IR। ये तो डिस्चार्जिंग के लिए था, जैसे ही मैं सेल को यूज कर रहा हूं। अब देखिए अगर मैं इसको चार्जिंग पे करता हूं तो क्या होता है कि जो हमारे पास इनपुट पोटेंशियल होगी वो किसके इक्वल आएगी, EMF+IR। अब जो ये आप स्मॉल IR देख रहे हो, ये क्या होता है, ये होता है इंटरनल पोटेंशियल, जो हमारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके द्वारा जो पोटेंशियल यूज की जाती है। अब देखिए हम यहां पर एक रिलेशन निकालते हैं टर्मिनल पोटेंशियल और EMF के बीच में। अब देखिए आपको पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है। अगर मैं बात करता हूँ
ईएमएफ को लेकर के, तो हमारे पास जो करंट आएगा, करंट क्या आएगा, ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए हमारे पास ईएमएफ थी ई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा हमारा, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी ऐड होगा इसके अंदर, आर प्लस स्मॉल आर, कुछ इस तरीके से। हमारे पास यहाँ से आई की वैल्यू आ चुकी है क्या, ई बाई आर प्लस आर। अगर मैं इस आई की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, टर्मिनल पोटेंशियल के अंदर, सो वी विल बी इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर इंटू आर। और अगर मैं इस E को उठा करके यहाँ ले आता हूँ, सो V बाई E विल बी इक्वल टू R बाई R प्लस R, और मैं इसको, तो हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन आ चुका है किसके बीच में, टर्मिनल पोटेंशियल और EMF के बीच में। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, E बाई V विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, R प्लस R डिवाइड बाई R, 1 प्लस आर बाई आर। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से हमारा कुछ इस तरीके से एक रिलेशन आ जाता है टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच में, ई बाई वी विल बी इक्वल टू आई प्लस आर बाई आर। यहाँ पर ई क्या है हमारा, ईएमएफ है ये वाला, वी क्या है हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल जो कि प्रोड्यूस हुआ उस सर्किट के अंदर जो कि हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, एंड R क्या है, कैपिटल R क्या है हमारा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके से रिलेशन आ चुका है, E बाई वी विल बी इक्वल टू 1 प्लस R बाई R। अब देखिए मैंने आपको ये जो कंसेप्ट बताया है इंटरनल रेजिस्टेंस का, और साथ में रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF, ये हमारा यहाँ पर यूज होगा, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी था। सो ये जो हमारे पास रिलेशन आया है E by V का, वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक EMF ले लिए E, और उसके साथ मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है R, जो कि इस तरीके से बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ और की को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर एक टर्मिनल पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण से हम ये इक्वेशन आगे यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ से फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक EMF E मान लिया है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है कैपिटल R। पोटेंशियोमीटर कंसेप्ट आप सभी को पता है। तो देखिए स्टेप वन क्या है, स्टेप वन बेटा ये है क्लोज की के, हमने ये वाली की क्लोज कर दी इस तरीके से। जैसे मैं इस की को क्लोज करता हूँ, सो यहाँ से करंट फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर, एंड आप देख पाओगे स्टार्ट स्लाइडिंग, जो कि ऑन वायर ए बी। जैसे ही हम वायर ए बी के ऊपर इस जोकी को स्लाइड करते हैं, तो एक पॉइंट आएगा जिस पर क्या होगा कि डिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाएगी। देन एट ए पॉइंट डिफ्लेक्शन विल बी स्टॉप एंड मेजर द लेंथ। अगर हम उस लेंथ को मेजर करते हैं, मान लिया कि वो लेंथ आई लेट इट इज L1। सो यहां से हमारे पास पोटेंशियोमीटर की इक्वेशन यूज करते हुए के एंड सॉरी ई, अब यहां पर ई विल बी इक्वल टू के L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। EMF का रिलेशन आता है जो कि हमने आपको पहले बता रखा वीडियो के अंदर, ई विल बी इक्वल टू के L1। अभी तो ये बात हुई इस सर्किट के लिए, जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ के इसकी K1 को, तो देखिए होगा क्या, जैसे ही मैंने इसकी की को क्लोज किया, तो यहाँ पर एक इस रेजिस्टेंस के कारण से एक पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। स्टेप वन में क्या बताया गया कि आप सिर्फ के की को स्विच ऑन करोगे, उसके बाद से यहाँ पर एक रिलेशन आ जाएगा EMF और हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का और लेंथ का। अब देखिए जैसे ही मैं स्टेप टू करता हूँ, स्टेप टू
स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप वन था हमारा, स्टेप टू में क्या होगा, क्लोज की के वन एंड देयर विल बी ए टर्मिनल पोटेंशियल वी प्रोड्यूस। नाउ स्लाइड दी जोकी, अब आप जोकी को स्लाइड कीजिए, नाउ स्लाइड दी जोकी अब आप जोकी को स्लाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट आएगा, ए पॉइंट विल कम व्हेन डिफ्लेक्शन विल स्टॉप एंड मेजर द लेंथ, लेट दिस लेंथ L2। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक टर्मिनल पोटेंशियल V आ गई है, इसलिए जो रिलेशन आएगा वो आएगा V विल बी इक्वल टू के एल टू, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए हुआ क्या है कि जैसे ही मैंने की K1 को क्लोज किया तो यहाँ पर EMF भी थी और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, तो ये वाला केस बन जाएगा। तो यहाँ पर एक टर्मिनल पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, तो यहाँ पर डिफरेंस होगा पोटेंशियल के बीच में, जो कि हमने मान लिया V है। अब जो कि उस स्लाइड किया हमने धीरे धीरे जो कि को, माना कि ये लेंथ L1 थी, उसके बाद हमारे पास ये लेंथ क्या आ गई, L2 आ गई, इस तरीके से। अब देखिए अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई, E विल बी इक्वल टू के L1 एंड V विल बी इक्वल टू के L2। सो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। अब हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को बाय सेकंड इक्वेशन, सो ई विल बी इक्वल टू के एल वन डिवाइड बाय बी विल बी इक्वल टू के एल टू, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ चुका है ई बाई बी विल बी इक्वल टू एल वन बाई एल टू। अब देखिए मैं अब यहाँ से इस रिलेशन को यूज़ करता हूँ, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस का वहां पर रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ, जो कि क्या था, एंड वी नो ई बाई वी विल बी इक्वल टू वन प्लस आर बाई आर। अब ये क्या है, हमारा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। सो अब उठा करके ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं हम, दिस इंप्लाई वन प्लस आर बाई आर विल बी इक्वल टू एल वन बाई एल टू, एंड वी हैव टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर। कैसे निकालेंगे, देखिए आर बाई आर विल बी इक्वल टू एल वन बाई एल टू माइनस वन। मुझे चाहिए क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, सिंप्लाई स्मॉल आर विल बी इक्वल टू एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो यहाँ से बेटा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू आर। सो ये होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जो कि सेल ई का है, जो हमारी ईएमएफ थी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया, आर। और यहाँ से हमने इक्वेशन यूज की है, रिलेशन बिटवीन ई बाई V मतलब EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल, जो क्या था वन प्लस आर बाई आर। और मैंने आपको बताया कि ये कैसे हम यूज करते हैं, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, ये कंसेप्ट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, वहाँ से हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं इसको। फाइनल में देखिए दोबारा से बताते हैं आप सभी चीज़ें, देखिए हमने एक पोटेंशियोमीटर लिया, उसके अंदर साथ में एक हमने सेल ले लिया जिसकी EMF E है, एक रेजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस R है। फर्स्ट स्टेप में हम क्लोज करते हैं की के को, जो कि स्लाइड करते हैं, इस ईएमएफ के कारण एक लेंथ ऐसी आ जाएगी जहां पर हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो हो चुकी है। सो लेंथ को मेजर करते हैं, माना कि लेंथ L1 आई, तो एक रिलेशन आ जाएगा E विल बी इक्वल टू के L1। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जैसे ही मैंने की K1 को क्लोज किया तो यहाँ पर एक टर्मिनल पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, जो कि क्या था, V। अब हम इस टर्मिनल पोटेंशियल यूज करते हुए मान लीजिए हम जो कि स्लाइड करते हैं इस पर वायर के, ए बी वायर के ऊपर, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर जहाँ पर डिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाएगी, माना वो लेंथ L2 है। सो रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड लेंथ
वी विल बी इक्वल टू के एल टू, डिवाइड करिए आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से, ई बाई वी विल बी इक्वल टू एल वन बाई एल टू। इतना होने के बाद देखिए, इतना होने के बाद हम जो रिलेशन था हमारा ईएमएफ और पोटेंशियल, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल का, जो कि हमने यूज़ किया था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से, एक टॉपिक है हमारा वहाँ से, ई बाई वी विल बी इक्वल टू वन प्लस आर बाई आर। और मैंने इस यहाँ पर आपको बताया था कि जब हम सब, जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जब हम बैटरी को सेल को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो हमारे पास इफेक्ट, जो हमारे पास जो हम पोटेंशियल यूज़ करते हैं, जो हमारे पास मिल रही होती है, वो किसके इक्वल होती है, गिवन पोटेंशियल माइनस इंटरनल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ई माइनस आई आर। अगर हम चार्ज कर रहे होते हैं तो वी विल बी इक्वल टू ई प्लस आई आर। इस रिलेशन को यूज करते हुए हम आगे करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ई बाई वी भी विल बी इक्वल टू वन प्लस आर बाई आर। सो इस रिलेशन को यहाँ से हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसके अंदर वन प्लस आर बाई आर विल बी इक्वल टू एल वन बाई एल टू। सोल्व करिए आप इसको, यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, इंटरनलाइजेशन आ जाएगा, आर विल बी इक्वल टू एल वन बाई एल टू माइनस एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू आर। सो बेटा, आज का हमारा यही टॉपिक था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।